आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वंदना एंड किट्टो ब्लॉग पे। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। हम सब भी अच्छे और मस्त हैं, उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हम चाहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो हमारे घर पे आज मेहमान जो आए थे, यानी कोमल आई थी, विनय आए थे और वंदना जी मेहमान भी, अरे गेस्ट होते हैं, परिवार होते हैं और भगवान के रूप में होते हैं, न जाने किस रूप में आकर मिल जाएंगे। हाँ, तो वही वाली बात, पता नहीं किस रूप में आके मिल जाएंगे। तो आए, मैं तो भीड़ देखिए, मैं हर चीज वीडियो नहीं शूट करती हूँ कि मुझे क्या करना है या नहीं, क्योंकि कोई पहली बार आए तो लोग सोचे ना कि हाँ वीडियो शूट करने वाला किसी को, ये मतलब कि बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो मैंने जो हमारे जितना हमसे हो सका अपने स्वागत किए, जो भी हुआ थोड़ा बहुत, अब चाहे थोड़ा बहुत हुआ चाहे जो भी हुआ किए, तो बहुत अच्छा लगा। पंडित कास्ट के थी, हमारे घर आए पानी पी। इनको दो नई सहेली मिली है और दोनों ही पंडित दुबे कास्ट के, दोनों दुबे हैं ना, बाबा मिलाने वाले हैं, वही उन्हीं का कृपा है और कुछ नहीं है और क्या। और यहाँ पे ये बना रहे आलू मटर की, आई थी काफी देर तक थी और अच्छा लगा, मिली जुली बातें साथ। इस बीच में कोमल भी आ गई थी, बातें साथी हुई, उनसे भी मुलाकात हो गई, उनको भी बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोली खाना पीना बना रहे हैं, खा पी कर जाओ, नहीं गई नहीं, अब खाना पीना नहीं खाएंगे, जितना हो सका तुम लोग बहुत किए, हमें कुछ नहीं है, सब आपका कृपा है। तो फिर समझ में नहीं आता मैं क्या सब्जी बनाऊँ, तो आलू मटर था, यहाँ मैंने आलू मटर की सब्जी बना दी। सब्जी हमारा हो गया, इसको खाली कर देते हैं, बर्तन धुल लेते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, साथ साथ में मैं अपने किचन की सफाई भी करती हूँ। तो ये देखिए जग है, इसको मैंने पानी भर के अरे रूम में रख देते हैं कि बार बार कोई गुनगुना कर दो। हाँ गुनगुना कर दो, चलो पानी सही नहीं आ रहा है ना, तो गुनगुना कर दो उसको, ठीक है। मेरे टंकी आरो बंद कर दो, आरो मत चालू, मेरे टंकी का पानी भी एकदम खराब, मतलब कि हम लोग आरो बंद कर दो, आरो चालू, अब यहाँ सब कोई चालू किया होगा टंकी पानी का, पानी भी नहीं आ रहा वहाँ पे, मैं गया था लाइन लगा था पानी भरने वाला। अच्छा, और इसीलिए कुछ औरतें गई थी वहाँ कार्यालय में, धरना दी थी, हल्ला गुल्ला कर रही थी, पानी नहीं आ रहा है। तो चलिए गुनगुना, मशीन है ना उसमें कर लाओ, थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं, वैसे मास्क रखे ले मशीन। ये अकेले रहती थी, काफी परेशान रहती थी, हे बाबा कोई परिवार जैसा मिल जाए जो हमारे साथ रहे, हमारा हंसने बोलने में सुख दुख में साथ दे। लेकिन भोले बाबा ने इनका फरियाद सुन लिया, दो लोग ऐसे ही मिल गए हैं, हमेशा सुख दुख में बातें करती रहती हैं। बाकी इनकी छोटी बहन किट्टो है, उनसे भी हंस बोल के बतलाती रहती है, साथ में अच्छा लगता था। अब तो इनका ऐसे टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता, कभी किट्टो से कभी अपने दोनों फ्रेंड से। अगर बात कर रहे थे रात को आए, कहे हम फोन लगाए थे, फोन के क्यों नहीं उठाई, कहाँ बिजी थी, हम कहे कि कहाँ बिजी थे, कह रहे हाँ अरे किसी से बात कर रहे, किसी से बात कर रहे, किस पे शंका कर रहे हैं बताओ, कह रहे होगा कोई, हम अरे हम मजाक कर रहे थे आपसे, ऐसे कोई मिल जाएगा तो तब तो भाई हमारी दुनिया बल्ले, हम तो इनसे मजाक कर रहे थे, इतने लगा कि हम सही सही बोल रहे हैं, हम कहे आओ मेरा फोन चेक कर लो। अब वैसे ये सब करने से क्या मिलता है इंसान, और हम लोग मूवी देख के आए थे तो उनके घर पे ही थोड़ी देर रुक गए थे, बातचीत होने लगा और काफी अच्छा लगा। बता चुकी बार बार बताओगे ना लोग फिर, अरे ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं बताया था, मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, मैं अब खाना रोटी सब्जी हो गया है, सब्जी खाली कर दिया, खाई धो लेते हैं, फिर उसके बाद अरे रोटी बनाए बच्चों को गर्म गर्म खिलाते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर देख सकते हैं पतिदेव, क्या कर रही हो, यही कर रहे हैं जो करना था, चले भी खिला दो। देखिए आई कितना काम हो गया, सब बाबा का कृपा था, आशीर्वाद था, बोली कि हम जा। तो यहाँ पर हम आए थे बैंक में किसी काम से, जो मेरा काम हो गया, ये बोली कि थक गए आराम करने तो नहीं जाएंगे ये वो, अब यहाँ आई बिना प्रभु के कृपा से एक पेन की कॉपी तक नहीं मिल सकता है, जब तक जाओगे नहीं, कितनी जानकारी मिली आके। हाँ सही बात है, अब घर में रहती ये सब जानकारी मिलता नहीं, नहीं मिलता। तो गाइस यहाँ हम आए थे बैंक में, मेरा काम हो गया है, अब बस ये है कि भगवान साथ दे और जैसा जैसा हमने सोचा है सब ऐसे काम आगे बढ़ते रहे और बाबा का आशीर्वाद ऐसा सबके ऊपर बने। तो देखो बच्चे दो आराम से, गाड़ी मोटर जा रहा है। तो आए थे गाड़ी हम लोग इधर खड़ा कर दिए थे, ऋषभ इधर से मैं निकलती हूँ, हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है,
और मैं ये रही, अब मैं कार में जाती बैठती हूँ। ठीक है गाइस, आपने कल जैसा देखा वीडियो में पति देव शूट किए थे और यहाँ देखिए ये बैठे हुए हैं। आज ये ड्यूटी नहीं गए थे, हमारा लोग का बहुत सारा काम था, जो घर पे भी बहुत सारे काम थे। टंकी से पानी से लेकर हम लोग जब गांव चले गए थे और वहाँ से आए टंकी में देखे नहीं, जब ये कल छत पे गए थे टंकी में देखे बहुत ढेर सारे गंदे पानी भर गए थे। तो फिर सुबह पानी का वेट कर रहे थे, पानी आए तब उसके बाद टंकी साफ़ करे, जब पानी आए तो टंकी साफ़ किए और मतलब लेट हो गया था। आजकल ठंड में क्या होता है, कितना भी आप जल्दी उठ जाओ ना, काम धाम में लेट ही हो जा रहा है। तो फिर लेट हो गया था, फिर ये बैंक में गए थे, बैंक में ढेर सारे काम कराए, फिर कराए फिर हमको लेकर गए, फिर अपडेट हुआ, जो भी कराना था सब कुछ हो गया था। फिर शाम के टाइम घर पर आ गए हैं और घड़ी में देखिए कितना बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं ना जी। पूजा भी करना है, कर दो, कर दीजिए। सुबह हम किए थे, शाम को आप कर दीजिए। नहीं नहीं देखिए, जानते गाइस जैसे कि ना कभी कभी पेट में दर्द होता है ना, 2-3 बार चले जाओ बाथरूम में, तो फिर ना शाम को क्या होता है, कपड़े चेंज करो, नहाओ धोओ, फिर उसके बाद क्योंकि ना भाई लेडीज है लड़की उसको देखिए अपने मन को साफ करना ज़्यादा बेटर अच्छा होता है। और फिर ठंड का समय है तो हम कहे कि पतिदेव आज आप कर दीजिए, कल भी किए थे और ठंड में पता नहीं क्या हो गया ना, मुझे पेट में दर्द और बार बार ना लूज मोशन वगैरह 2-3 बार हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लोग चाय पी रहे हैं, चाय शाम के टाइम पे बैंक में गए थे वहाँ चाय मिला था, तो हम कहे हम चाय नहीं पियेंगे, तो ये लोग घर पर आ गए। ये चाय के आशिक इतने हो गए हैं ना, कहे सोनाक्षी से चाय के रहा नहीं जाता, सोनाक्षी चाय बनाई, बाप बेटी बेटा यहीं बैठ के पी रहे हैं और 7:30 बज गए हैं। तो हम चलते हैं पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ा। पूजा पाठ कर लीजिए। और हम सबका टिकट हो गया है वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर। सबसे पहले हम ये लोग यहाँ निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर वहाँ भोपाल जाएंगे, भोपाल तक हो जाएगी, भोपाल में उतरेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कार जाता या बस जाएगा, जो भी जाएगा वहाँ से करेंगे, बस से बैठेंगे, फिर उसके बाद कुबेरेश्वर धाम जो सीहोर में पड़ता है वहाँ जाएंगे। 1 तारीख को बाबा के चरणों में वहाँ रहेंगे, तो भगवान दो को घर आ जाएंगे, एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। है क्या? 2 तारीख को पतिदेव का जन्मदिन है, पापा का तुम्हारे जन्मदिन है, तो यही सब बातें हैं। आपका बर्थडे आ रहा है, मेरा एनिवर्सरी आ रहा है, शादी का सालगिरह। बेबी मेरे बर्थडे पे क्या दिलवाओगी? एक पार्ले बिस्किट दिलवाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, गोली चलवा, खाली हाथ जाओगे। तो जाइए आप पूजा करिए, थोड़ा हम ब्लॉग एडिटिंग कर लेते हैं, तब तक ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद।